नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब के जय श्री राम ओम चैनल पर। आइए जानते हैं आज आमलकी एकादशी के बारे में। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में आमले के पेड़ की पूजा की जाती है, जिस वजह से यह आमला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ आमले के पेड़ की पूजा भी होती है। आमले के पेड़ को बेहद ही पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि के निर्माण के दौरान ब्रह्मा जी को अवतरित किया था, तब उसी समय आमले का पेड़ भी धरती पर अवतरित हुआ था। इसलिए आमले के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है और साथ ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ को आमले का पेड़ बहुत ही प्रिय है। आपने अगर आमले की एकादशी का व्रत रखा है तो इस कथा को जरूर सुनिए। राजा मदानता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कार करें तो कृपया किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम मोक्ष देने वाले आमले की एकादशी व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। एक वैदिस नाम का एक नगर था। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में वे ध्वनि सदैव गूंजा करती थी। वहाँ कोई पापी, दुराचारी तथा नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्रत नाम के चंद्रवंशी राजा का शासन चलता था। वे प्रकांड, विद्वान और धर्मी था। उस नगर में ना तो कोई दरिद्र ना ही कोई कंजूस हुआ करता था। संपूर्ण नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी के दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। इस दौरान राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर जाकर पूर्ण को विस्थापित करके धूप, दीप, निवेद, पंचरत्न आदि से आमले का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धाती, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित और समस्त पापों का नाश करने वाले महाराज, तुम्हें मेरा नमस्कार है। कृपया करके मेरा अर्घ स्वीकार करो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः मेरे समस्त पापों का नाश करें। इस तरह उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक अत्यंत पापी और दुराचारी बहेली आया। वह अपने कुटुंब का पालन जीव की हत्या करके करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वह भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार मनुष्यों के साथ उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सभी अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। लेकिन एकादशी व्रत करने और जागरण में शामिल होने की वजह से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया, जहां उसका नाम बसुरथ रखा गया। युवा होने के बाद वह चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। इस प्रकार वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान था। प्रत्यंत धार्मिक, कर्मवीर, सत्यवादी तथा परम विष्णु भक्त था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देवयोग से वह मार्ग भटक गया। दिशा ज्ञान का अभाव होने के कारण उस वन में वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो बोलते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र और अनेक संबंधियों को मारा है। वह दिशा भटक गया था, इसलिए मलेच्छों को ऐसा लगा कि इसे देश से निकाला गया है, इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा को मारने के लिए दौड़े और उन पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया। राजा के शरीर पर गिरते ही सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते और पुष्प के समान प्रतीत होने लगते। फिर उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वे मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री बेहद सुंदर मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सारे मलेच्छों को काल के काल में पहुंचा दिया। जब राजा की आंख खुली तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देख
कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा, इस वन में मेरा हितैषी कौन रहता है। वह ऐसा ही सोच रहा था कि आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य वापस सुख पूर्वक राज करने लगा। कथा सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमला की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस आमला की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्यों में सफल होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमो लक्ष्मी नारायण।